नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, लॉकडाउन 4.0 के बाद मध्य प्रदेश में क्या हालात रहेंगे वो आज मुख्यमंत्री जी के लाइव के बाद स्पष्ट हो गया है। तो चलिए हम आज जान लेते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में क्या हालात रहेंगे और आपका जिला रेड जोन में है या ग्रीन जोन में, और आपके जिले में क्या खुलने वाला है, क्या प्रतिबंधित होने वाला है, ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, प्रदेश को रेड और ग्रीन दो जोन में बांटा गया है। रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा एवं देवास के नगर पालिका निगम तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे। इन सब क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्र ग्रीन जोन में आएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रीन जोन में कौन कौन सी चीज़ें खुली रहेंगी। हम बात करते हैं ग्रीन जोन के सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़ के शेष सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेगी। सभी दुकानें, बाजार, सब्जी मंडियां खुली रहेंगी। निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा और रेड जोन में ये सभी गतिविधियाँ बंद रहेगी। सभी जोन में, चाहे ग्रीन हो या रेड, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटलिटी सेवाएं, सिनेमा मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा सभी जोन में सामुदायिक व सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। साथ ही धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा धार्मिक सभाएं पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। शाम को 7 से सुबह 7 बजे तक आवागमन पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ अत्यावश्यक गतिविधियां संचालित की जा सकेगी। सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी 1 सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेगी तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। सभी स्वास्थ्य कर्मियों एवं सफाई कर्मियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने व ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ चालू रहेंगे। साथ ही दोस्तों, यदि किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते हैं तो वह रेड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा। अपना जिला ग्रीन बना रहे इसके लिए सभी सावधानी बरतें। साथ ही कुछ सावधानी जो रखने को कहा गया है कि प्रत्येक जोन में कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, मल्टीपल डिसऑर्डर वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्य बातें। अब आप देखिए कि आपका जिला ग्रीन जोन में है, रेड जोन में है और कौन सी चीज़ें खुली रहेगी, कौन सी बंद रहेगी। तो दोस्तों, लॉकडाउन का पालन कीजिए अगर आप रेड जोन में हो तो, और ग्रीन जोन में भी हो तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, वो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।